ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फकरीजादे की तेहरान में हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद ईरान और इसराइल में तालिकियां और बढ़ गई हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने हत्या में इसराइल के शामिल होने के सबूत मिलने की बात कही। उनका कहना है कि फकरीजादे की हत्या में जो शुरुआती जानकारी मिली है उसे वैज्ञानिक की हत्या में इसराइल के शामिल होने के गंभीर सबूत मिले हैं। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावाद जरीफ का कहना है कि इसराइल ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जरीफ ने ट्वीट पर लिखा, आतंकियों ने एक वरिष्ठ ईरानी वैज्ञानिक की हत्या कर दी। इस हत्या से इसराइल की भूमिका का पता चलता है कि इसराइल युद्ध के लिए उतावला है। जावेद का कहना है कि मारे गए वैज्ञानिक का नाम बेंजामिन तैनायू पहले एक कार्यक्रम में ले चुके हैं। स्थानीय रिपोर्टर के मुताबिक फकरीजादे की तेहरान के समय हत्या कर दी गई। उनके कार पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई जिसके बाद वे घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।